शुक्रिया जस्टिस कॉल आज आ, समय निकालने के लिए बीबीसी से बात करने के लिए सर मेरा पहला सवाल आपसे है कि आप एज अ जज 22 साल रहे पहले तीन अलग हाई कोर्ट्स में फिर सुप्रीम कोर्ट में तो अब जब आप रिटायर कर गए हैं तो आप अपनी पारी को किस नज़रिए से देखते हैं मैं जो जितना समझ सका जितना कर सका उतना मैंने करा है पर्सनली मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ अपने कार्य से जो मैंने करा है अभी आपकी दिसंबर पाँच Uh, कोई एक केस लगी हुई थी जजेस अपॉइंटमेंट की जो आप काफ़ी टाइम से सुन रहे थे कि जो आपके ही एक बेंच ने जो पहले टाइमलाइंस ले डाउन किए थे वो सेंटर उन्हें फॉलो नहीं कर रहा था बार बार नाम भेजे जा रहे थे सुप्रीम तो कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक अगर दूसरी बार रिकमेंडेशन जाए तो सेंटर को फॉलो करना होता है तो ये चीज़ें फॉलो हो नहीं रही थी तो इसमें जब आपकी जो लास्ट हियरिंग में वो मैटर हट गया था तो उसमें आपने कहा था कि देर आर सम थिंग्स विच आर बेटर लेफ्ट अनसेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में कुछ ऐसे बोलना नहीं चाहिए तो आपका इस स्टेटमेंट से क्या मतलब था देखिए वो मैटर मेंशन हुआ था मेरे आके उन्होंने कहा लगा नहीं हालांकि मैंने डेट दी थी अब ये मास्टर ऑफ द रॉस्टर प्रिंसिपल चीफ जस्टिस का सेटल है रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अंडर काम करती है अगर वो नहीं लगा है तो इस बात में मैं ज़्यादा जाऊँगा नहीं क्योंकि वो उनका पेरोगेटिव है मैं समझता हूँ तो इसलिए मैंने उसको यही कहा कि आर लेफ्ट आंसेड मैं इसमें क्या कह सकता हूँ उस चीज़ को तो आपकी इसमें चीफ से फिर बात हुई थी क्या कि ये मैटर क्यों लगानी था आपके कोर्ट पे उस दिन आ, ये एक मैं कहूँगा इंटरनल सिस्टम है हाँ मैंने जिक्र करा था बट इस चीज़ में मैं इससे ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा कुछ और तो आपका कुछ या तो अनुमान होगा या क्यों नहीं लगा आ, मैं वही आंसर दूँगा दोबारा ये एक इंटरनल वर्किंग सिस्टम है और मैं इसको रिटायरमेंट के बाद इस चीज़ पे नहीं ठीक समझता कोई और रोशनी डालना जब हम लिस्टिंग की बात करें सर तो अभी हाल में काफ़ी वकीलों ने चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस को लेटर भी लिखा है इसके अलावा बाकी काफ़ी सारे लॉयर्स ने अपने एडिटोरियल्स लिखे हैं कुछ साल पहले चार जजेस सुप्रीम कोर्ट के बाहर आए थे ये कहने के लिए कि जो लिस्टिंग सिस्टम है उसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही है तो आज के सुप्रीम कोर्ट में आपको ऐसा लगता है सर कि ये वाली जो बात आ रही है कि कुछ कुछ केसेस हैं जो कि लॉयर्स का कहना है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं या इंपॉर्टेंट केसेस हैं पॉलिटिकली वो एक पर्टिकुलर बेंच को दिए जा रहे हैं किस कोर्ट के आगे लगना चाहिए ये एक चीफ जस्टिस का पेरोगेटिव है सवाल ये किसी और तरीके से हो सकता है डिफरेंट टाइम बात हुई बहुत मुश्किल काम है ये पावर चीफ जस्टिस को दी हुई है तो आ, कही कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस को ट्रस्ट करने पड़ेगा इस मामले में कि वो किस तरह से कहाँ पर केस भेजते हैं पर इसमें क्योंकि इतने सालों से सवाल उठ रहा है और जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर से क्वेश्चन आ रही है वाली चीज़ तो ऐसे में आपको लगता है कि सिर्फ चीफ जस्टिस को ट्रस्ट करना इनफ इंस्टीट्यूशनल चेक है सुप्रीम कोर्ट पे या कुछ और मायने होने चाहिए जिससे केसेस लिस्ट होने चाहिए तो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन तो चीफ जस्टिस के पास एक्चुअली नहीं है भी और नहीं भी है क्योंकि सिस्टम्स हैं प्लेस में एक मैटर किस तरह से ट्रेस होगा पहली बार लगने के बाद वो किस जज के पास जाएगा फिर अगर उसमें हम लीव ग्रांट करते हैं तो वो एक और तरीका है नॉर्म्स हैं ऐसा नहीं है कि नॉर्म्स नहीं है और चीफ जस्टिस के पास कभी इतना समय नहीं हो सकता कि हर केस को मार्क करने के लिए वो देखे तो एक सिस्टम है रजिस्ट्री उसको चलाती है आ, कुछ क्रूशल इश्यूज पे रजिस्ट्री गाइडेंस लेगी चीफ जस्टिस से इतना ही होता है अब वो गाइडेंस क्योंकि सम क्रूशल मैटर्स में अदर इश्यूज आ सकते हैं बट कोई भी इसको जिनको ये बात ठीक भी नहीं लगी वो भी जब चीफ जस्टिस बने किसी ने इसका कोई और बेटर नतीजा नहीं निकाल पाए हैं उसको आप फाइन ट्यून करते हैं उसको ऑब्जेक्टिव लाने को इंटरनली सिस्टम को कोशिश करते हैं बट फॉर्चुनेटली uh, um, ऐसी सिचुएशन नहीं आई है कि कोई ओपनली uh, प्रोटेस्ट आए ये एक केस था जब uh, चार जजेस गए पब्लिक डोमेन में आपने एक बात सही कही कि सुप्रीम कोर्ट में भी प्रोसेस है कि कैसे जजेस पे केसेस अलॉट होंगे बट जैसे जो दुष्यंत दवे जी का जो लेटर था उसमें उन्होंने यही कहा है कि जो एस्टैब्लिश प्रोसीजर है उससे हटकर ये केसेस अपॉइंट हुए हैं देखिए उन्होंने एक चीज़ को फ्लैग करा है भेजा है उस पर शायद चीफ साहब का कोई रिएक्शन भी आया था उन्होंने कहा कि नहीं वो सिस्टम फॉलो हुआ है अब दो वर्जन है उनके हिसाब से ये फॉलो नहीं हुआ है चीफ साहब का एक्सप्लेनेशन है थ्रू द रजिस्ट्री कि नहीं ये फॉलो हुआ है पॉसिबली इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई इस पर मैं क्या टिप्पणी कर पाऊंगा इसमें आपका क्या व्यू है सर कि प्रोसेस फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है ये इस तरीके से मैंने कभी कोई देखेगा नहीं कोई भी जज के भाई इन पर्टिकुलर केस में प्रोसेस हुआ है कि नहीं हुआ सम स्टेट सम चीफ जस्टिस कैन एनालाइज इट कि इसमें कोई इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है एक एग्जाम्पल है जैसे कि जो जर्नलिस्ट अर्णब गोस्वामी की जो बेल पटिशन थी वो कुछ दो या तीन दिनों में लिस्ट हो गई थी बट बहुत सारे और बेल पटिशन होते हैं जिनको सालों लग जाते हैं लिस्ट होने में तो ये वाला डिस्टिंगशन क्यों आता है? आ, अगर वो नहीं लगता तो कहते कि जर्नलिस्ट का केस नहीं लगा है <laughs> अगर लग जाएगा तो कहेंगे उस जर्नलिस्ट का केस लगा है कुछ डिस्क्रिप्शन तो रहेगी हम भी जब डेट देते हैं केस में हम कभी ये नहीं कहते हैं कि हर केस तीन हफ्ते बाद आएगा उस केस को देखते हुए कहते हैं कि भाई ये तीन हफ्ते बाद आएगा चार हफ्ते बाद आएगा छः हफ़्ते बाद आएगा कुछ केसेस पेंडिंग है जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के हो गए या जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो चैलेंज हुआ तो स्पेशली जैसे अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स लें तो वो केस अभी कुछ छः या सात सालों से कोर्ट में पेंडिंग है और अगर आप देखें कि जो मैरिज इक्वालिटी पटिशन जो भी था वो सेम सेक्स मैरिज का इसमें आप भी थे उसकी चार महीने के अंडर ही कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हो गई उसके एक महीने के बाद हियरिंग हो गई फिर वो हियरिंग कंक्लूड होके अभी उसकी जजमेंट में आ गई तो उसके पूरे प्रोसेस को करीबन सिर्फ एक साल लगा तो एट द सेम टाइम आपका एक जगह मैरिज क्वालिटी टाइप के, के केसेज हैं जो इतने जल्दी सुन लिए जाते हैं और दूसरी तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे केसेज हैं जो कि कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कैसे इंडिया फंक्शन कर रही है एज अ डेमोक्रेसी तो उस पर आपका क्या कहना है सर कि ये जो दो अलग डिस्टिंक्शन हम देख रहे हैं सेम कॉन्स्टिट्यूशन केसेज में आ, मेरी ये बिलीफ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जल्दी सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि लार्जर इश्यूज एड्रेस होते हैं कहीं ना कहीं बात वहीं बात बैठती है कि चीफ जस्टिस केसेस बनाता है बेंच बनाता है लिस्टिंग करता है तो एक हद तक उसके पेरोगेटिव में आ जाता है कम्पलीटली कि कौन सा बेंच पहले सुनना चाहिए कौन सा बेंच बाद में सुनेगा जो ये आपने एग्जाम्पल दिया सेम सेक्स मैरिज इशू का आ, कुछ मैटर्स पेंडिंग थे कोर्ट में चीफ जस्टिस के पेरोगेटिव में पॉसिबली ये एक सोशल इशू था तो अब कोई कहे कि वे सोशल इशू को किसी और इशू से ज़्यादा महत्व देना चाहिए कि नहीं उनके व्यू में इसको महत्व देना था उन्होंने महत्व दिया रिजल्ट कुछ और ही निकला हो चाहे वार्तालाप हुआ चीफ जस्टिस से, से वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा केसेस अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के ऐसे नहीं है जो पेंडिंग है जो सुनवाई की तो जैसे आपने कहा सर कि ये जो आ, सेम सेक्स मैरिज का जो इशू था ये शायद चीफ को लगा हो कि ये सोशल इशू है जो इम्पोर्टेंट है तो आपको लगता है कि इस केस को ज़्यादा बढ़ावा दिया या देना चाहिए था बाकी केसेस के कंपैरिजन में ये सब्जेक्टिविटी रहेगी तो चीफ जस्टिस के हाथ में कि अगर वो किसी केस को प्रायोरिटी देना चाहते हैं सर जो ये जजमेंट आया था इसमें एक थोड़ी नई बात थी कि जो चीफ जस्टिस का जो ओपिनियन था और जस्टिस भट्ट का ओपिनियन था

तो इस पर हमें कोई टिप्पणी देने की जरूरत है नहीं आपके जो पहले कलीग्स रह चुके हैं और जो रिटायर्ड जजे रोहि रोहिंटन नरिमन उनका यह कहना था कि कि ना डिसाइड करना भी एक तरह का डिसीजन था इसमें एग्जैक्ट रिप्लीकेशन uh, नहीं है बट आर्टिकल 136 केसेस में कई बार हम डिसमिस करते हैं लिविंग ऑफ लॉ ओपन स्टेटमेंट सिर्फ सोलिसिटर जनरल का नहीं था इट वाज बेस्ड ऑन स्टेटमेंट मेड बाय द होम मिनिस्टर इन पार्लियामेंट अब कोई चीज uh, किसी प्रिंसिपल पर डिसाइड हुआ है तो उसमें कुछ नहीं होता है आगे जाके तो एक एवेन्यू है इसमें तो कोई डाउट नहीं है एक तो जो स्टेटमेंट ये वाला रहता है कि वापस कन्वर्ट होगा यूनियन टेरिटरी से स्टेट में इसकी कोई लीगली बाइंडिंग वैल्यू नहीं है काफ़ी और भी लीगल जो कॉमेंटेटर्स उनका भी ये माना था कि कोर्ट को एटलीस्ट एक डिसीजन देना चाहिए था लॉ ऐसी चीज़ है जिसमें डाइवर्जन ओपिनियन से रहेगा सेम रीजन से वो लोग क्या ठीक समझते हैं और बेंच क्या ठीक समझता है इसमें फर्क आ जाता है लेकिन जो मुद्दा था उसका सोल्यूशन तो दिया गया है वो स्टेटमेंट हमने रिकग्नाइज करके कोई उन्होंने इमिडिएटली अपने आप नहीं दिया स्टेटमेंट उनसे पूछा गया उन्होंने इंस्ट्रक्शन ली फिर वापस आए करें ना करें तो जब स्टेटमेंट ले लिया है तो इट्स अ बाइंडिंग स्टेटमेंट इसमें जो एक और चीज़ जो लोग कह रहे थे कि ये जजमेंट के बाद एक नई पॉसिबिलिटी ओपन हो गई कोई स्टेट पे प्रेसिडेंस रूल लगा के आप चाहे तो उसमें से कोई एक पार्ट काव आउट कर सकते हैं एज ए यूनियन टेरिटरी तो इस पर आपका क्या मानना है देखिए आप स्पेकुलेशन में जाएंगे मिसट्रस्ट में जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है मेरे हिसाब से ये एक पिक्यूलियर सिचुएशन थी कश्मीर का एसिमिलेशन इन टू द कंट्री ने एक थोड़ा सा डिफरेंट पाथ लिया था मेरी व्यू में कम से कम मैं नहीं बिलीव करता हूँ कि सरकार ये कर सकती है कि, कि किसी भी स्टेट को उठा के हिंदुस्तान के कहे जी आज मुझे इस चीज़ को बाइफरकेट करना कट करे बिना मैं इसको रिड्यूस कर देता हूँ ये एक ओवर अप्रीहेंशन है मेरे ख्याल से कश्मीर वॉज अ स्टैंड लोन केस इन दिस तो इसमें जो एक चीज़ आप कह रहे हैं सर ये वाली अगर अश्योरेंस दिया है गवर्नमेंट ने तो कोर्ट समझती है कि वो उस पर उस पर काम भी करेंगे आगे आ, तो इससे एक रिलेटेड केस जो है सर जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का उसमें आपने काफ़ी बार कहा कि अगर ये अपॉइंट नहीं हुआ तो हम आ, जो चीफ सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को उनको कंटेम्प्ट में होल्ड करेंगे बट फाइनली कंटेम्प्ट में होल्ड किया नहीं और इसमें काफ़ी लोग ये भी कह रहे थे कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं करना चाह रही है तो इस पर आपका क्या मानना है सर कि थोड़ा और स्टर्न स्टांस लेना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को जब से येजम सिस्टम आया तब से भी जो पोलिटिकल क्लास थी इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज उनको लगता था कि नहीं ये हमारा कुछ रोल होना चाहिए फाइनली ये एक लॉ लाया गया एन वो थ्रेशोल्ड पे क्वॉश हो गया ये चीज़ सरकार को या पॉलिटिकल क्लास को कभी

जो आपको लगता है जो पहले जिस तरह के ऑर्डर्स जजेस दे सकते थे या देते थे आज के दिन भी सेम ही ऑर्डर्स दे सकते हैं या वो, वो कुछ अफेक्ट हुआ है ये एक एक प्रोसेस रहा है अगर मैं आप 1950 से देखेंगे तो ये प्रोसेस सेवेंटी फाइव टू सेवन भी एक प्रोसेस रहा है मैं ये कहूँगा देर इज हमेशा थोड़ा बहुत टफ और रहेगा जुडिशरी में और एग्जेक्टिव में uh, वो अच्छा भी है थोड़ा सा टफ और रहे जुडिशरी का काम है चेक एंड बैलेंस करना ना जब वी हैव अ इलेक्ट्रल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी अब उसमें जब क्विडिशन uh, गवर्नमेंट्स होती हैं तो जुडिशरी का थोड़ा पुशबैक uh, कम हो जाता है जब कोई ज़्यादा मैंडेट से जब भी आए हैं तो उनको लगता है हमें पब्लिक मैंडेट है तो जुडिशरी वो परसीव करते हैं कि जुडिशरी हमारे काम में क्यों इंटरफेयर कर रही है तो थोड़ा जुडिशरी की तरफ पुशबैक ज़्यादा हो जाता है ये थोड़ा तो टसल रहा है और रहेगा

वो लार्जली इस बात पे आते हैं कि एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट बिलीव करती है जो वो कानून ला रही है वो एक पब्लिक मैंडेट के संग ला रही है इसलिए उस पब्लिक मैंडेट को रिस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि वो एक डेमोक्रेसी है और कोर्ट का उसमें दखलअंदाजी कम होना चाहिए उसमें जब कोर्ट चैलेंज होता है और उसको हम देखते हैं तो उनको लगता है पार्लियामेंट ने तो पास कर दिया है हमारा काम है लॉ बनाना आप इस चीज़ में क्यों दखल कर रहे हैं बट वो एक फुल एप्रिसिएशन नहीं है रोल ऑफ दी कोर्ट का क्योंकि उसका काम ही है कि किस केस में दखलंदाजी करना है देखने के लिए थोड़ा बहुत मतभेद रहे तो अच्छा ही है क्योंकि विच शोज वाइब्रेंसी ऑफ द सिस्टम आपको लगता है जो जनरल आज इंडिया में आ, फ्री स्पीच का स्टेटस है वो जब से आप जज बने हैं तब से आप किस तरह के चेंजेस देख रहे हैं आपको लग रहा है फ्री स्पीच कम हो रहा है मेरी व्यू ये है कि जो लिखता है आ, उसको लिखने दीजिए जो पेंट कर रहा है उसको पेंट करने दीजिए और मेरी अपनी सोच ये कि हिंदुस्तानी सोसाइटी बहुत लिबरल रही है किसी रिलीजन की कोई व्यू है किसी और रिलीजन की कोई व्यू है अगर इतने डाइवर्स कंट्री को एक साथ रखना है और एक साथ रहना है तो एक दूसरे को टॉलरेट करना तो सीखना पड़ेगा मैं एक स्ट्रांग बिलीफ रखता हूँ कि हर आदमी को अपने जिंदगी को अपनी तरह से जीने का हक हाँ है पर वो आपको लग रहा है अभी के टाइम में अफेक्ट हुआ है कि जैसा अगर हम देखें इंडिया की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे रेटिंग काफी गिर रही है कितने जर्नलिस्ट के अगेंस्ट केसेस बढ़ रहे हैं कुछ लिखने के लिए कुछ करने के लिए देखिए कहीं ना कहीं ये कुछ दिक्कतें उठी हैं बट मैं ये कहूँगा कि आ, आ, मैं किसी पीरियड पे नहीं उसको फिक्स करना चाहूँगा मैं उसको एक सोसाइटल प्रॉब्लम में डील करता हूँ अगर आप सोसाइटी को देखिए तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक दूसरे के लिए टॉलरेंस लेवल लोअर हुई है और ये हम मैं देश की बात नहीं कर रहा हूँ इंटरनेशनली भी यही प्रॉब्लम है वी बिलीव की माई वे या हाईवे होना चाहिए या तो मेरा रास्ता मानो या नहीं तभी कोई कहता है वो भक्त हैं वो अपोनेंट हैं रिसेंटली एक यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट जज सिविल जज थी उन्होंने चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखा सेइंग कि उनके जो डिस्ट्रिक्ट जज है उन्होंने उनको सेक्शुअली हरास किया है और उसके बाद उनकी आईसीसी में कंप्लेंट भी बहुत मुश्किल से आ, उनकी कंप्लेंट रजिस्टर हुई तो वो अब कह रही थी कि उन्हें यूथनेशिया करने की इजाज़त दे दी जाए क्योंकि अब उनमें जीने की कोई विल नहीं रह गई है तो ऐसे हमने पहले भी देखा जो जैसे जो पहले इवन जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो पहले रह चुके थे रंजन गोगोई सर उनके अगेंस्ट भी कुछ एलिगेशन आए थे और अभी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में एक जज है उनके अगेंस्ट भी आए हैं तो जुडिशरी में जो जुडिशरी के अंदर से जो सेक्शुअल हरासमेंट की प्रॉब्लम्स आती हैं आपको लगता है कि जुडिशरी हैज उन उसको अनेबल रही है टैकल करने के लिए कम्प्लीटली देखिए जज ऊपर भगवान टपकाता नहीं है जी हमारे सोसाइटी का पार्ट है तो एक हायर एक्सपेक्टेशन होती है जज से एब्सोल्यूट नहीं हो सकती कुछ केसेस होंगे उसको टैकल करा जाता है अब ये एक पर्टिकुलर इंसिडेंट है डिटेल्स मुझे नहीं पता है लेकिन हर चीज में एक एलिगेशन होती है और एक बचाव भी होता है क्या हम एलिगेशन को फाइनल मान लें और दूसरे जने को डिस्ट्रॉय कर दें विदाउट चेकिंग अप कि उसका उसने कोई गलती करी है कि नहीं करी है मैं इसको एक एक्सट्रीम रिएक्शन समझूंगा कि मुझे करने दीजिए कोई चिट्ठी लिखी तो अटेंड हुई है चीफ जस्टिस ने देखा है उसको अटेंड नहीं कि अनअटेंडेड रह जाती है कभी कभी ये लगता है कि उनको एक साइड को लगता है कि मेरी तरीके से नहीं हो रहा है अब अगर उसमें एक सही रंजिश है तो एड्रेस होगी और सही रंजिश नहीं है तो ये नहीं हो सकता कि जो नतीजा मुझे चाहिए वही नतीजा निकले ये किसी भी चीज़ में है स्पेशली हायर जुडिशरी में हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में आप कास्ट की प्रॉब्लम को किस तरह से देखते हैं क्योंकि ये काफ़ी हाईलाइट हुआ है कि जो अभी तक जितने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेज आए हैं जैसे अभी लॉ मिनिस्ट्री का एक आंसर था जिसमें उन्होंने कहा कि लास्ट पाँच सालों में 650 में कुछ सेवेंटी फाइव परसेंट जो थे वो जनरल कैटेगरी के थे एस uh, सी से थ्री पॉइंट फाइव परसेंट और एस टी कोर्ट में भी ये प्रॉब्लम रही है इसके क्या रीज़न है ये होने का जुडिशल अपॉइंटमेंट्स तीन टेयर्स पे होती है सबॉर्डिनेट जजेस की जो अपॉइंटमेंट होती है उसमें रिजर्वेशन होता है इम्प्लीमेंट होता है हाई कोर्ट के एक तिहाई जज उसी में से आते हैं तो वो एक तिहाई की तो रिप्रेजेंटेशन होगी तो हम बात कर रहे हैं जो बार से एलिशन की Now, कई बार सोशल एम्पावरमेंट्स जहाँ नहीं इतने हुए हैं तो आपको बार में किस किस एज में देखना है आपने देखना है इन एज ग्रुप ऑफ तो अबाउट 45 प्लस टू अबाउट 55 यही आठ दस साल की स्पैन में आपको देखना पड़ेगा रिप्रेजेंटेशंस अगर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी से उस वक़्त वकील आप कुछ कंसेशन देंगे कोई चीज़ देखेंगे नहीं है तो ये ज़बरदस्ती कैसे करा जा सकता है उस चीज़ को विमेन अपॉइंटमेंट्स हैं मैं कई बार कहता हूँ कि देखिए आप सबॉर्डिनेट जजेज में आज के दिन कई कोर्ट्स में मोर देन फिफ्टी परसेंट रिक्रूटमेंट्स वेमेन की हो रही हैं अब पच्चीस साल पहले अगर वेमेन नहीं थे तो आज वो कैसे कंसिडर होंगे फिर भी उस चीज़ को एस्पेक्ट को देखा जाता है आ, कई बार ये नहीं कि एलिवेशन पर जब सरकार कभी इंटरेस्टेड होती है एलिशन्स में तो कोई कास्ट या कम्यूनिटी नहीं देखती है तो रिप्रेजेंटेशन तो हैं लेकिन एडोकेट रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा समय लगता है तो आपके हिसाब से इसमें रिजर्वेशन या कुछ करनी चाहिए की एक्शन पॉलिसी? मेरे हिसाब से ना हाई जुडिशरी ये ये चीज़ ठीक नहीं रहेगी आपको लोग भी नहीं मिलेंगे इसमें कई बार कई स्टेट्स में ऑलरेडी ये चीज इनफॉर्मली इम्प्लीमेंटेड है कई स्टेट्स में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो इम्प्लीमेंटेड नहीं है ऐसा नहीं है कि ये, ये नज़र में नहीं आती है बात हाँ फॉर्मली नहीं एक रिजर्वेशन है